142 वर्ष जुना असलेला मच्छू नदीवरचा पूल दुरुस्तीच्या केवळ 5 दिवसानंतरच म्हणजेच 30 ऑक्टोबरला कोसळला। या दुर्घटनेत 135 जणांचा मृत्यू झाला। या दुर्घटनेला 28 दिवस होऊन गेलेत। गुजरात उच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे, मात्र तपास यंत्रणा या प्रकरणी गुन्हेगार कोण यावरच अडकल्यात। मोरबी मधील या दुर्घटनेचा आता सर्वांना विसर पडला असून इथे निवडणुकीचं वारं वाहतंय। मोरबी दुर्घटनेचं सत्य आणि स्थिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचलो। इसमें दो तरह की जांच चल रही है। एक जांच हाई लेवल कमेटी कर रही है, इसे राज्य सरकार ने गठित किया है और इसमें 5 मेंबर्स हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और आईपीएस ऑफिसर शामिल हैं। इस कमेटी ने अभी तक कोई भी रिपोर्ट जमा नहीं की। दूसरी जांच मोरबी की पुलिस कर रही है। पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट किया था लेकिन अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की है। मोरबीला पोहोचताच मुख्य दरवाजावर कुलूप होतं। कोसळलेल्या पुलाचा कोणताही भाग चोरीला जाऊ नये यासाठी या ठिकाणी दिवसा 1 आणि रात्री 3 पोलीस तैनात असतात। या प्रकरणी उघडपणे कोणी बोलत नसलं तरी सुरक्षेवरून लक्षात येतं की इथे चोरीचा प्रयत्नही झालाय। या प्रकरणाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही कलेक्टर ऑफिसला पोहोचलो। तिथे गेल्यावर कलेक्टर आणि एसपींची बैठक सुरू असल्याचं आम्हाला कळलं। मात्र ही बैठक मोरबी दुर्घटनेच्या मुद्द्यावर नाही तर निवडणुकीच्या मुद्द्यावर सुरू होती। एक तास वाट पाहिल्यानंतर कलेक्टर GT पांड्या यांच्याशी आमची भेट झाली। त्यांनी कॅमेरा समोर येण्यास नकार दिला। जी FIR दाखल झाली आहे त्या प्रकरणी पोलिसांकडून तपास सुरू आहे। डिप्टी SP PA जाला हे या प्रकरणी तपास अधिकारी आहेत। याशिवाय राज्य सरकारनं यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून यामध्ये 5 ब्युरोक्रेट्स आणि IPS अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती पांड्या यांनी दिली। आमचा प्रश्न होता की पोलिसांनी आतापर्यंत या प्रकरणी काय तपास केलाय। उत्तरासाठी आम्ही पोहोचलो SP ऑफिसला, मात्र तिथे गेल्यावर समजलं की तपास अधिकारी न्यायालयात गेलेत। इथे आमची भेट तपास पथकातील क्राईम ब्रँचचे KG चव्हाण यांच्याशी झाली। आमचा प्रश्न होता या प्रकरणी मुख्य आरोपी कोण आहे, यावर उत्तर मिळालं फॉरेन्सिक रिपोर्ट आल्यानंतर पुढील तपासाची दिशा समजेल। या दुर्घटनेनंतर नगरपालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलंय, तर दुसरीकडे पुलाच्या दुरुस्तीची जबाबदारी असणाऱ्या कंपनीच्या दरवाजावरही कुलूप होतं। काँग्रेसचे उमेदवार जयंतीलाल पटेल या प्रकरणी अनेक प्रश्न उपस्थित करतात। 150 से ज्यादा जो मृत्यु हुई है, इसका न्याय के लिए, इसकी मांग के लिए आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। हाईकोर्ट ने भी बहुत आलोचना की है कि भाई आप सरकार क्या कर रही है। जो भी FIR दर्ज हुई है उसमें छोटे छोटे आदमी का धरपकड़ हुआ है, कोई बड़ा कोई नहीं हुआ है। यानंतर आम्ही भाजप उमेदवार कांतीलाल अमृतिया यांच्याशी भेट घेतली। दुर्घटनेबाबत त्यांना विसर पडला असून ते समर्थकांसोबत प्रचारात व्यस्त होते। देशना वडा प्रधान मोरबी नरेंद्रभाई नू एक लगाव छे मोरबी साथे। लगाव ना आधारे मोरबी जिल्लानी अमारे 5 सीट आवे। पाचे 5 सीट जीतसी अने मारी सीट तो मारा कार्यकर्ता लड़े है। अने पाचे 5 सीट जीतसी मने विश्वास छे मारा मोरबी जिल्लाना मतदारों उपर। अभी तक की जांच पर कांग्रेस नेताओं ने तमाम सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था उन पर अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अग्रीमेंट के पहले जनरल काउंसिल से उसे पास करवाना होता है, वहां ये प्रपोजल क्यों नहीं आया। इन तमाम सवालों के बीच पुलिस के जो अधिकारी जाँच कर रहे हैं उनका ये कहना है कि FIR 9 लोगों से ज्यादा पर भी हो सकती है, लेकिन वह फॉरेंसिक की डिटेल रिपोर्ट आने के बाद भी तय हो पाएगा। असेच आणखी व्हिडिओ आणि बातम्यांसाठी डाउनलोड करा दिव्य मराठी ॲप।